टीम डिड नॉट वॉन्ट मी एज अ मैनेजर, इसके लिए मैं मेरे को निकाला गया था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मेरे पास बहुत सारे क्रेजी अपडेट्स हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अपडेट की बात करें तो कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिडवाई बन चुके हैं फिर से सोल के मैनेजर, जो कि अब जो ई स्पोर्ट्स टीम है सोल के उनको संभालेंगे। अब बहुत सारे बंदे सिडवाई के चैट पे लिख रहे थे कि क्या सोल ने आपको मैनेजमेंट से हटाया था, उस बात के ऊपर सिडवाई का आप रिप्लाई देख लो। एकदम एकदम अच्छे से मेरे को क्लैरिफाई करने को दो, जिसको भी लगता है कि टीम डिड नॉट वांट मी एज अ मैनेजर, इसके लिए मैं मेरे को निकाला गया था। पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई रोस्टर, ऐसा कोई प्लेयर, ऐसा कोई एनालिस्ट, ऐसा कोई कुछ भी, कोई भी सपोर्ट स्टाफ ऐसा नहीं है जो सोल के मैनेजमेंट डिक्टेट कर सकता है कि सोल का मैनेजमेंट कौन रहेगा। सबसे पहले भी आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे मैनेजमेंट डिसीजन लेता है कि रोस्टर्स के साथ क्या होगा, रोस्टर कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। आई स्टेप डाउन बिकॉज मेरे को लगा था मैं यूज़फुल नहीं हो रहा हूँ सोल के लिए और ना ही मैं अपने कॉन्टेंट पर फोकस कर पा रहा हूँ, इसके लिए आई स्टेप डाउन। मुझे नहीं चाहिए था कि मैं बर्डन बनूं सोल के ऊपर। आपको पता होगा टीम एक्सपार्क एंड सोल के साइड से जो जोकर एंड निंजा का ट्रेड हुआ था उसके ऊपर जब किसी ने क्वेश्चन पूछा तो सिडबाई का आप रिप्लाई सुन लो। आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई डिड वी लेट जोकर ग्रो फ्रॉम अ स्क्वाड दैट वाज आर्ग्युएबली वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग टीम इन इंडिया फॉर क्वाइट सम टाइम, एंड नाउ व्हाई वी आर नॉट स्टिकिंग विद निंजा आल्सो, वेयर डज इट टेक अस, आर वी प्लेइंग विद अ फोर मैन स्क्वाड। अबाउट निंजा एंड एवरीथिंग, दिस इज देयर विल बी एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट, डू नॉट आई डोंट थिंक यू शुड बी jumping to conclusions until you hear it from us. तो जो भी official announcement होने तक आप लोग इस चीज़ पे believe नहीं करें कि हम लोग क्या चीज़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो अनाउंसमेंट आई थिंक इन द नेक्स्ट 4-5 days हो जाएगी। अब अनाउंसमेंट की बात करें तो TX ने बैक टू बैक जो चैंपियनशिप जीता है तो उनके बाद जो फैंस के साइड से कुछ डिमांड है उसके ऊपर स्काउट ओपी का रिएक्शन आप देख लो। कांग्रेचुलेशन स्काउट ओपी, वी हैव वन 2 बैक टू बैक ऑफिशियल टूर्नामेंट एंड मेड हिस्ट्री, द ओनली थिंग मिसिंग इज द कनेक्शन बिटवीन द प्लेयर्स एंड फैंस सो दे कैन बिल्ड देयर ओन फैन बेस। आई होप यू रिमेंबर द पबजी डॉक्यूमेंट्री दैट हेल्प्ड अस कनेक्ट विद यू। तो इसके ऊपर स्काउट भाई ने क्या रिप्लाई किया वो आप देखो। फर्स्ट वी विल डू ए ग्रैंड मीटअप इन मुंबई विद द प्लेयर्स एंड ट्रॉफीज, सेकंड में डॉक्यूमेंट्री एंड थर्ड में सरप्राइज। तो सरप्राइज शायद से जो और का सीन चल रहा है अभी, RNT वगैरह है, फिर जो भी रूमर्स है शायद से उसी का जो है अनाउंसमेंट है वो होने वाला है। एंड नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो गाइज आप सबको पता है बहुत सारे थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स और का जो विनिंग मनी है, वो जो प्राइज मनी है वो बहुत ज्यादा डीले होता है, किसी किसी का तो मिलता ही नहीं और किसी किसी का स्कैम हो जाता है। तो उसी सब चीजों के बारे में बात करते हुए सिड भाई ने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिख दिया है, आप देखो उन्होंने क्या कहा। एक और चीज बोलनी थी स्ट्रीम पे जो भूल गया, कोई भी टीओ जिसका प्रीवियस सीजन का प्राइज मनी नहीं आया उसका नेक्स्ट सीजन हम लोग नहीं खेलेंगे, बिफोर ड्यूज आर क्लियर। आपको आपके स्पॉन्सर पैसे देते हैं या नहीं देते हैं वो हम टीम्स का लुकआउट नहीं है। आई होप अदर और ऑल्सो फॉलो दिस सेम रूल, थैंक यू वेरी मच। एंड इसके बाद और एक चीज उन्होंने लिखी वो भी आप पढ़ो। तो मैंने यहाँ पे टीओ का नाम नहीं लिया है बट अगर जरूरत पड़े तो मैं नाम ले लूंगा, इससे पहले भाई अपना पेमेंट जो है वो क्लियर कर दो, थैंक यू सो मच। तब नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो गाइज आपको पता होगा 3-4 महीने पहले नियो के साथ एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी जिसके वजह से उसे कम्युनिटी से बहुत बैकलेस मिला एंड बहुत चीजें उसके खराब हो गए एंड क्राफ्टन से भी बहुत ज्यादा उसे दिक्कतें झेलनी पड़ रही है क्योंकि आपको पता है BMPS खत्म हो चुका है, बहुत सारे टूर्नामेंट्स अभी ऑनगोइंग आने वाले हैं और एक दो तो चल भी रहे हैं, उसमें हमें नियो खेलते हुए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि क्राफ्टन के साइड से स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि नियो को अभी खेलने नहीं दिया जाएगा, नियो अभी होल्ड पर है। जब क्राफ्टन खुद से अनाउंस करेंगे कि हाँ अब नियो खेल सकता है तभी एकमात्र जो है नियो खेल सकते हैं, किसी भी टीम ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके ऊपर नियो का रिएक्शन आप देख लो। इशू ये हो गया कि फिर जो ऑर्गेनाइजर है वो टूर्नामेंट का, उसने कहा कि अभी नियो का जो सीन है वो क्राफ्टन ने होल्ड पे डाल रखा है तो मुझे रजिस्टर नहीं करा गया, मेरी जगह फिर कोई और प्लेयर को उनको कराना पड़ा रजिस्टर ऑब्वियसली। तो वो अब आई होप क्राफ्टन अभी वो चीज़ का जल्दी ले क्योंकि आई गेस 4 महीने हो चुके चैट, ठीक है, कि वो कंट्रोवर्सी को हुए एंड अभी मैं उसे उभर चुका हूँ, ठीक है, मैंने गाली देना छोड़ दिया है, मैंने छोड़ा है कि नहीं चैट ये बताओ मुझे, ऑन स्ट्रीम गाली देना मैंने छोड़ा है कि नहीं, क्या मैंने ये 4 महीनों में एक बार भी गाली दी है? नहीं, किसी को कुछ हेट नहीं, वो लेंगे ऑब्वियसली मेरे को भाई, मैंने भाई हाँ बोलने वाले अगर एकदम ही बकचोदी में मैं कुछ कह दूँ और उसको आप गाली समझो, नहीं यार देखो किसी को कुछ नहीं, हेट नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ कि इशू क्या है क्योंकि कल को
आप नहीं कहने चाहिए कि न्यू तू जानबूझ के कमबैक नहीं कर रहा। मैं जो मेन इशू मैं फेस कर रहा हूँ अभी, बट मुझे पता है कि ये चीज़ का उन लोग कोई एक सोल्यूशन निकालेंगे बहुत जल्द। बस वो कह रहे हैं कि अभी नियो का जो है वो चीज़, वो अभी तक हम लोग ने उसके बारे में बात नहीं की है, और अभी बात चल रही है, उनसे करेंगे बात। उनको ऑब्वियसली मैं रिक्वेस्ट करूँगा यार, क्योंकि देखो करियर है मेरा, मैं नहीं चाहता कि मेरा करियर ख़राब हो जाए। सिंपल सी बात, घर चलता है यार इससे मेरा, ठीक है। और मैंने ऐसा भी नहीं, मैंने गेम को सब कुछ दिया है, सब कुछ इतने सालों में, ये 4 सालों में मैंने गेम को सब कुछ दिया है, कि जितना मैं दे सकता हूँ ये गेम को। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना फॉर मोर अपडेट्स, एंड लाइक कर देना वीडियो को अगर पसंद आया हो, एंड अपना ध्यान रखना गाइस। बाय बाय।